ऐसे घाट पे जो लोग आते होंगे रेगुलर, तो ये चना जोर गरम वाले मोचू चाचा हैं हमारे, जो बहुत फेमस हैं। और पिछले कितने सालों से चाचा लगा रहे हैं आप? 40 साल हो गए ये 80 घाट पे। अब बहुत मल्टी टैलेंटेड आदमी है ये। अभी बता रहे थे कि ये पेंटिंग जो देख रहे हैं आप, ये खुदे से अपने से बनाए हुए हैं। ये पेंटिंग भी बनाते हैं और यहाँ इतने सालों से है। और एक बड़ी मजेदार किस्सा ये अभी बता रहे थे जिसकी वजह से हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी इनसे पूछे कि चाचा आप चप्पल उप्पल नहीं पहनते हैं क्या? तो इसके पीछे की ये कहानी बताने लगे कि 75 के बाद से चप्पल पहने नहीं है। तो इसके पीछे का कारण क्या था, तो हमने पूछा चाचा से, तो चाचा अभी बताएंगे कैमरे के। 75 से आप चप्पल नहीं पहन रहे, हमें लगता है 45 साल हो गया, 47 साल से आप चप्पल नहीं पहन रहे, क्या कारण है इसके पीछे का बताइए। कारण यही बेटा कि हम 75 में जल निगम की ड्यूटी कर रहे थे। जल निगम का ड्यूटी कर रहे थे, निगम में फगिया गांव के। क्या बना दिया? चलिए इसको थोड़े देर रोका जाए, इनके चाचा के कस्टमर लोग आए हुए हैं, ये बनाते हुए भी देख लीजिए। ये कहानी हम लोग थोड़े देर में सुनेंगे इसके बारे में। सब पूरी पूरा कहेंगे या सादा कहेंगे, कहीं सुनेंगे। खट्टा मीठा तीखा तीनों, खट्टा मीठा तीखा तीनों, तीखा रहेगा। ये चटनी उटनी सब चाचा घर ही बना ला? अपन अपने हाथे बना वाला सब, सब पूरा। बहुत बढ़िया, एक नंबर। अरे देखा गुरु, आप लोग आखिरी तक वीडियो से जुड़े रहिएगा, बहुत अच्छी कहानी आपको सुनाने वाले हैं चाचा। बीच में के कस्टमर लोग आ गए हैं, देखिए। और जो लोग भी आए 80 घाट पे एक बार चाचा से कसेवा जरूर लें। ये 80 घाट का नजारा आज शाम का। मैं भी आ गया ना भैया? हाँ हाँ आ गए हो, आ गए हो। भैया कैसा बना है? टेस्ट तो अच्छा है ना? आप पहली बार खा रहे हैं? हाँ, यहाँ तो हम पहली बार आए हैं, इसलिए पहली बार ही खा रहे हैं। आप बनारस के नहीं है, बाहर से आए हैं? बाहर से है। कहाँ से? गोरखपुर से। गोरखपुर से। कैसा लगा बनारस में आके आपको? बनारस में आज पहला दिन है, काफी अच्छा लगा। आज अंदर की गलियों में खो भी गया था मैं। अच्छा, किधर किधर, कौन सी गलियों में? चौक के तरफ? चौक नहीं कह सकते, चौक के तरफ भी जाइए। वहाँ पे अगर खाने पीने के शौकीन है तो वहाँ पे ठठेरी बाजार, चौखंबा, कचौड़ी गली, जो बनारस का मेन टेस्ट है ना, वो आपको वहीं पे मिलेगा। आप वहाँ पे जरूर जाइएगा और सुबह सुबह जाइएगा। चौक पे ठठेरी बाजार, चौखंबा, ये सब वाला जो एरिया है, जरूर जाइए आप। हाँ, तो चाचा आप कहानी बता रहे थे, क्या हुआ था कि चप्पल आप पहनना छोड़ दिए? भैया जब ड्यूटी हमारी लगी तो उस समय पगिया, कोलाडी, खड़खड़िया। आप पहले ड्यूटी करते थे, सरकारी नौकरी करते थे? सरकारी नौकरी करते थे? सरकारी नौकरी हॉस्पिटल। अच्छा अच्छा। पगिया में, दिल्ली स्टेशन के बगल पगिया गांव है, उसी पगिया में टंकी, उसी टंकी के हॉस्पिटल, कोलाडी, खड़खड़िया, डेलाही, अलाही, चारी, भगवती, पटेला, चंदौली जिले में, कर्मिया, कर्मा, भरकवास, चाणी, सब हमारे अंडर में गाँव था। वाह। जिसे बनाना, पानी बांटना, सरकारी नौकरी करते थे? सरकारी नौकरी करते 75 में थे। तो इंजीनियर साहब जो थे पाइप बेच रहे थे, इंजीनियर साहब पाइप बेच रहे थे, भ्रष्टाचार मतलब कर रहे थे, फर्जी तरीके से कमाई चले। तो पिताजी बोले कि बेटा जी बुजुर्गी जवान, कर्म धर्म कर्तव्य एक ही भूले हम, ये सोच ड्यूटी कर गया, पैसा मिला नहीं। अरे वाह, गजब। वहाँ ड्यूटी करने लगे, बेचने लगे, वो बेचे, हमको बर्दाश्त हुआ नहीं। आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि पैसा खा रहा है, गलत तरीके से पैसा कमा रहा है, भले इंजीनियर है। उस समय 1 रुपया मजदूरी हमारी, 1 रुपया मजदूरी थी 75 में। बहुत जब वहाँ गए, जब नहीं माने, मार पीटिया चालू हो गया, इंजीनियर से लड़ाई कर लिया, लड़ाई करी, इतने मार मारी कि उनका दांत मार टूट गया, उनका दांत तोड़ दिया। अस्पताल में गए, 3 दिन भर्ती हुए, उसके बाद उनकी सेवा। वो इंजीनियर साहब भर्ती हुए 3 दिन? जब होश में हो गए तो बोले कि चोरी कर रहा, उसमें फंस गए, पकड़े गए, बंद हुए। उसके बाद जब पारी आ गई, जज बोला
कि बेटा तुम्हारा कोई गवाह है? हम भी गवाह है लेकिन आएगा नहीं। हाँ। तो शीतल पांडे की बेटी मुनिका थी। हाँ। तो चिट्ठी लिखी, हमने कहा इनका टेप पहले ट्रांजिस्टर है। हाँ। तो जब चिट्ठी लिखा और वहाँ से लड़की आई। हाँ। और गवाही किया। हम तो पीते ही, हमें तो सफर में चलती है, थोड़ी गीली करते हैं तो सूखी सूखी है। पीलो पीलो, फिनिश करो, तुम्हारी है वो। नहीं तुम्हारी है, फिनिश करो। मैं नहीं पीनी है, बिल्कुल भी नहीं पीनी है। तो मेरा मन नहीं है, फिनिश कर दो। 1 2 3 और वो फिनिश हो जाएगी, मुझे पता है तुम भूखे हो। चाचा साहब, आप बता रहे थे कि वो गवाह है लेकिन वो आएगा नहीं। और 50 दिए ना। अच्छा, वो आएगा नहीं। उसके बाद जज साहब जो थे, चिट्ठी लिखे दरोगा की। हाँ। और दरोगा वहाँ पहुँचा 4 बजे भोर में। अच्छा। और वहाँ नेताजी जो थे एकदम ठीक 10 बजे पहुँचे। मोनिका बेटी जब देखी वो बोली कि अगर ये बताइए जज साहब, अगर तुम्हारी बेटी के सामने अगर ऐसी वारदात होता तो तुम क्या करते? चोरी का वारदात में उसको 6 PM कर रहे थे जबरदस्ती। मैं गुंटा इसके वाली फार पर उसको बताया। और किसके साथ? वो जो लड़की थी। अच्छा, वही कोर था मारने का मौका। तो वो बच्ची बोली कि देखिए यही गमछा है। यही गमछा हमको जान बचाया और इसमें था। ये वही आदमी जो इसको उल्टा फंसा दिया। अच्छा अच्छा। उसके बाद जज ने हमको तुरंत छोड़ा और बेहद तोड़ा और फिर 6 किलोमीटर पैदल गया जा करके फिर उनकी धुलाई कर ली। फिर वापस धुलाई की है, दूसरी बार आई माता। अच्छा, फिर चप्पल का नहीं पहने फिर? इसके बाद वहाँ से गए तो फिर अब टंकी सब फूक गई मिल करके। टंकी फूके तब वहाँ छटैया हो गई हमारी। जब छटैया हो गई कोई पैसा नहीं, 50 पैसा था और 50 पैसा विदाउट टिकट गया बॉम्बे। वहाँ से बॉम्बे चले गए। बॉम्बे चले गए और वही पेंटिंग चित्रकारी रहने का पूरा काम। इसके बाद करीब 14 साल बॉम्बे। अच्छा। इसके बाद यहाँ आए बनारस। बनारस आए तो हमारे साले थे, थोड़ा तेज बोलिएगा चाचा, हमारे साले थे। तो हम उस समय का जूता हमको मिला था यहाँ से, जाड़े का बुट का, सिर्फ पीतल के नाव पर चले थे। जब चलते थे तो जमीन जो है फूट जाती थी सिलमिट वाला। तो जो दीपू महाराज थे वो बोले अबे ताले तुम लोग हमारे जमीन पर चलो, हमारे जमीन का थिलमी टूट गया है, अरे हमारा लूम खाली कर। तो मेरे साले बोले अरे यार तुम्हारे चलते हम के रूम खाली करेंगे। कम की इसमें कोई बात नहीं है, आप रूम में रहिए, हमें जूता छोड़। इसी वक्त उसी दिन से आकर जूता उस समय से कितना साल हो गया? करीब उस समय 75 और 14 साल और जोड़ दें। है ना, मतलब 89 से भी 30 साल के ऊपर हो गया। तब से जूता पहनवे नहीं किए। तब से चित्रकारी करते हैं। चित्रकारी करते हैं और ये झालमुड़ी बेचते हैं। चित्रकारी में हिंदी अंग्रेजी उर्दू तीनों भाषा में लिखेला, अपन धंधा करेला, बहुत कोई की तबेदारी नौकरी। अरे वाह, बहुत बढ़िया चाचा। चलिए आप ऐसे ही ये काम में लगे रहिए, हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है आपको देख के। किस चैनल से आप हैं? ये हम लोग का अपना बनारस का चैनल है। बनारस कौन चैनल है? आप बनारसी हैं करके हम लोग का पेज है फेसबुक पे। करीब हमारा नंबर है। हाँ, आप नंबर बता दीजिए अपना। 9118-33-71-55। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। 9118-33-71-55। मोचू पेंटर। मोचू पेंटर पेंटर भी हैं और ये झालमुड़ी ये सब भी बनाते हैं भैया। अगर पेंटिंग मूज बड़ा बढ़िया लग रहा है आपका। कै महीना में बढ़ाए हैं आप? बेटा मूज तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ 3 बार, खाली 3 बार मुड़वाए हैं। एक बार तीन बार बाबू जी मरे तो 4 आदमी पकड़ करके हमारी मूज को बनाए। अच्छा। इतना रोए कि पूछो। उसके बाद माता जी हमारी मरी तब लोग जब ऐसे मूज बनवाए। और तीसरी बार हमारे बहन के आदमी जो मरे तो वहाँ मूज बनवाने की इच्छा ही नहीं, लेकिन वहाँ जब गए दाह कर्म करने के लिए वहाँ लोग पहले पकड़े
जबरदस्ती अब पकड़ने के बाद पूछ मर गया, इसके बाद बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी अच्छी स्टोरी है आपकी, बड़ी इंस्पायरिंग हम लोग को। फिर उसके बाद मूछ बनवाए नहीं, बड़ा लंबा समय गुजर गया आप एक ही काम में लगे हुए हैं। ये चीज हम आज की पीढ़ी में ये चीज देखने को नहीं मिलती है। कुछ समय काम करेंगे बोर हो जाएंगे, मन भर जाता है, दिक्कत नहीं है। हिंदी में लिखी चाहे अंग्रेजी में लिखी चाहे उर्दू में लिखी चाहे कोनो तरह का पत्थर की मूर्ति अगर खराब हो गई है तो मूर्ति के पुनः नया तैयार। चलिए बहुत बढ़िया है चाचा, यहीं पे वीडियो खत्म करेंगे। मेरी गांव है, जो लोग भी बत्ती जल रही है ना, हाँ हाँ, वही में वैष्णो माई को मंदिर इतना बड़ा। अच्छा, उस मूर्ति को तैयार करने के लिए वहाँ से चला आज खोजते खोजते सुनारपुर आ गया, तो बोला कि चलिए इसके आगे की कहानी है ना हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे आपसे जरूर। यहीं पे वीडियो हम लोग खत्म करेंगे हर हर महादेव के नारे के साथ। महादेव।